भाजपा प्रदेश कार्य समिति की बैठक 9 से लेकर 11 अप्रैल तक मंडी में होने वाली है, जिसको लेकर मंडी जिला भाजपा पूरे जोरों शोरों से तैयारियों में जुट गई है। कार्य समिति की इस बैठक में मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर भी शिरकत करेंगे। वहीं मंडी नगर परिषद के द्वारा मंडी शहर को साफ व स्वच्छ बनाने के लिए स्वच्छता अभियान भी चलाया गया है। मंडी नगर परिषद के द्वारा मंडी शहर में स्वच्छता अभियान चलाया गया है और इसी अभियान के अंतर्गत मंडी नगर परिषद की अध्यक्षा पार्षदों और सफाई कर्मचारियों के द्वारा मंडी शहर के बीचों बीच स्थित इंदिरा मार्केट परिसर की सफाई की गई। मंडी नगर परिषद की अध्यक्षा सुमन ठाकुर ने बताया कि भाजपा प्रदेश कार्य समिति की मीटिंग मंडी में होने वाली है और जिसमें प्रदेश के मुख्यमंत्री भी शिरकत करेंगे। उन्होंने कहा कि इसीलिए मंडी शहर को साफ और स्वच्छ बनाने के लिए मंडी नगर परिषद के द्वारा सफाई अभियान चलाया गया है। भारतीय जनता पार्टी हिमाचल प्रदेश की कार्य समिति 9-10-11 को छोटिका से मंडी में होने वाली है, उसी के संदर्भ में नगर परिषद व भारतीय जनता पार्टी सदर मंडल, महिला मोर्चा, पार्षदगण सभी जो हैं इस शहर को सुंदर व स्वच्छ बनाने में लगे हुए हैं। तो हम इसको 5-6-7-8 तक जो है सफाई अभियान को करने जा रहे हैं। हर एक इसमें बस स्टैंड हुआ, हमारा कम्प्लेक्स हुआ और पासा सदन और ब्यास सदन में जहाँ भी ये कार्य समिति होने वाली हैं, जितने भी नालियाँ हैं, जितने भी रास्ते हैं, तो इस शहर को हम सुंदर रखेंगे और सुंदर बनाएंगे ताकि पूरे हिमाचल प्रदेश से विधायक, मंत्री और कार्य समिति के जो लोग आने वाले हैं उनको लगे कि हम छोटी काशी में गए हुए थे तो वहाँ की सफाई व्यवस्था बहुत अच्छी। 2019 में होने वाले आम चुनावों को लेकर भाजपा ने अपनी कमर कस ली है और इसी के मद्देनजर भाजपा प्रदेश कार्य समिति की बैठक मंडी में 9 से 11 अप्रैल तक होने वाली है, जिसमें लोकसभा चुनावों को लेकर विस्तार से चर्चा की जाएगी। वहीं मंडी नगर परिषद के द्वारा मंडी शहर को साफ और स्वच्छ बनाने के लिए विशेष अभियान चलाया गया है। ब्यूरो रिपोर्ट के चैनल।